हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रत्न के बारे में, ग्रह रत्न, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए, आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए, आपके लिए ये सही है, इसको पहनोगे तो ये होगा वो होगा वगैरह 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 वगैरह, जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में अभी मूंगा है और एक एक करके मैं आपको प्रत्येक रत्न के बारे में बताऊंगा। ये देखो ये माणिक्य है, इन सभी रत्न के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा एक एक करके कि कौन सा रत्न किस ग्रह का है, कैसा दिखता है, उसको देख करके आज आप पहचान जाओगे, आप देख करके समझ जाओगे और कौन सा रत्न आपके लिए है वो भी आप समझ जाओगे। तो आइए एक एक करके शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा रत्न, ये आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा रत्न है, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको फिर भी एक एक करके जूम करके दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये आप देख रहे होंगे ये जो है सो मूंगा है, इसको कौन सा मूंगा बोलते हैं, त्रिकोणी मूंगा है ये, इसको अगर आप धारण करते हो ये मंगल के लिए धारण किया जाता है। अगर आपके कुंडली में मंगल की महादशा है, अंतरदशा है अथवा आपका लग्न स्वामी मंगल है, राशि स्वामी मंगल है तो आप इसको धारण कर सकते हो, ऐसे बिना एस्ट्रोलॉजर के सलाह के आप धारण ना करें। तो ये त्रिकोणी मूंगा है, इसको आप धारण कर सकते हो, इसको लेने के लिए भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हो। दूसरा जो है एक ये मूंगा है, ये देखो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब मूंगा है, इस मूंगा को भी आप मंगल वाला जिसको भी इशू है वो धारण कर सकता है ये मूंगा। एक ये मूंगा है, ये तीन क्वालिटी की मूंगा अभी हमारे पास में है जिसको आप धारण कर सकते हो और तीनों क्वालिटी है, क्वालिटी तीन है तो रेट में भी अंतर होगा, ये साधारण सी बात समझने वाली बात है। तो मंगल वाला जिस किसी भी व्यक्ति का इशू है वो व्यक्ति ये मूंगा जो है धारण कर सकता है और आपके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। मित्रों तो ये मूंगा आप धारण करें, इसको धारण करने के लिए, मूंगा धारण करने के लिए आपके पास मैं स्क्रीन पर मैं नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे मैं बोल भी देता हूँ कि नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8949868434, इस नंबर पर मैं आप संपर्क करके मूंगा धारण कर सकते हो। दूसरा अब चलते हैं ये फिरोजा, ये फिरोजा है, ये ओपल के जगह पर में, डायमंड के जगह पर में धारण किया जाता है, ये शुक्र का रत्न है। ये अगर आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है अथवा संतान बाधा है अथवा विवाह में मैरिड लाइफ में कोई परेशानी आ रही है, प्रेम प्रसंग में कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आपके पास हीरा पहनने की क्षमता नहीं है, ओपल पहनने की क्षमता नहीं है तो आप इसको फिरोजा को धारण कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा है। आपको मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफी अच्छा रत्न है, इसको आप धारण कर सकते हो। अगर आप फिरोजा धारण नहीं करते हो इस सिचुएशन में तो आपके लिए इसके जगह पर में है ओपल, नहीं है ओपल, ओपल ओपल फायर भी है आपके पास, ये ओपल है, ओपल आप धारण कर सकते हो। ओपल थोड़ा सा महंगा आता है उससे, लेकिन सबसे ज्यादा और बेहतरीन काम आपको यही ओपल करेगा, शुक्र की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो अथवा आपका राशि जो है सो तुला है, वृषभ है अथवा मैरिड लाइफ में कोई परेशानी है, हस्तरेखा में शुक्र संबंधी कोई आपको परेशानी दिखाई दे रही है, प्रेम प्रसंग में कोई परेशानी है, तो भी आप ओपल फिरोजा से बेहतर है, ओपल आप धारण कर सकते हैं। ओपल के बदला अब आप स्फटिक दीजिए। अगर वो भी धारण करने में आप सक्षम नहीं हो, आपके पास पैसे की और कमी है, तो आप ये दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे हाथ में, ये सब स्फटिक है, स्फटिक आप धारण कर सकते हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है सो काम की चीज है और इसको धारण करने से आपको जितनी भी समस्या शुक्र संबंधी है वो सभी दूर हो जाएगी, ये हमारा वादा है। और विद्या बुद्धि संतान इस सब में आपको काफी ज्यादा इससे सहयोग मिलेगा। तो ये हुआ आपका स्फटिक,
अगर किसी के पास दिमाग कमजोर है, बुद्धि तेज नहीं है, तो भी आप शुक्र का जो है ये रत्न उनको धारण करवा करके सरस्वती को और ज्यादा तीक्ष्ण करना है, तेज करना है, तो आप इसको धारण करवा सकते हो। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके जगह पर में और कोई है दूसरा? इसके जगह पर में शुक्र का ये तीन। अब हम माणिक के देखते हैं जो कि सूर्य का है। माणिक के सूर्य का, वैसे माणिक के पहनने से अगर आपके शरीर में कोई भी नस संबंधी समस्या है, अगर आपको बार बार शरीर में सूजन हो जाता है तो उसमें भी माणिक के काफी ज्यादा काम करता है। दर्द वगैरह है तो उसमें भी ये काम करता है, जॉन्डिस में काम करता है। और मेनली सूर्य से संबंधित आपके कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसमें ये काम करता है। आंख से संबंधित कोई रोग है तो आंख में भी ये कमाल का अपना असर दिखाता है। सूर्य की महादशा, अंतरदशा, उसमें आपको ये बहुत काम करता है। तो मित्रों, ये जो है सूर्य से संबंधित जितनी भी परेशानी है उसमें आप माणिक के धारण कर सकते हो। आपके सामने है ये, और बहुत ही बेहतरीन और फाइन क्वालिटी की है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हो। पास से मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, अथवा मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर को आपको दे दूंगा। उस नंबर पे आप मैसेज करके, कॉल करके आप इसको प्राप्त कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे सस्ता, आप पूरे भारत में कहीं भी लोगे तो उन सभी जगहों से सस्ता आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कितना सारा रत्न है आपके सामने पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सूर्य की जगह पर और कोई है? अच्छा, अब बात करते हैं शनि का। शनि जो है सो दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा, दंड, कर्म फलदाता, ये सब शनि को कहा गया है। तो न्याय के देवता है शनि संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, यानी कि शनि की महादशा चल रही है आपके कुंडली में, शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि यानी कि आपका लग्न कुंभ है, मकर है, राशि कुंभ है, मकर है, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। अच्छा, ये जो नीली नीलम वगैरह जो है मिर्गी में भी काम आता है। मिर्गी की बीमारी है किसी को, उसको आप नीलम धारण करवा सकते हो, अच्छे क्वालिटी का, ये आपको बहुत काम आएगा। तो इसको आप धारण कर सकते हो। इसको अगर आप धारण करना चाहते हो बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी यहाँ से प्राप्त कर सकता है, और उसको हमारे तरफ से भी सहयोग दिया जाएगा, वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। इससे भी अगर आप लो क्वालिटी का लेना चाहते हो तो ये है, ये भी शनि का ही रत्न है, ये भी नीलम नीली का छोटा भाई है, इसको भी आप धारण कर सकते हो। ये देखो, आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा है आपके सामने, और काफ़ी अच्छा ये भी रत्न है, उससे भी सस्ता है ये। तो बहुत कम कीमत में आप इसको धारण कर सकते हो, यानी कि आप सोच नहीं सकते हो, आपके सोच से भी ज़्यादा कम कीमत में आप इसको धारण कर सकते हो, उस कीमत में मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा ये, और आपके घर पर में बाई पोस्ट, बाई कुरियर भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों शनि का हो गया, ये भी शनि का। अच्छा, अगर आप इस रत्न को भी धारण करने में सक्षम नहीं हो, और भी सस्ते और भी नीचे आओगे, तो आपको ये जो है शनि का ही है, जमुनिया, इसको जमुनिया कहा जाता है, ये जामुन के आकार का है, जामुन जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको धारण कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा जो है सो फायदेमंद रहेगा, और आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसको भी आप धारण कर सकते हो। गरीब जो लोग हैं जिनके पास पैसे की बहुत अभाव है, जो 1500 रुपये में धारण करना चाहते हैं, वो लोग इसको धारण कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये हो गया जमुनिया, इसको रखिए। अब कौन सा बच गया? ये प्रोपाज है, इसका ओरिजिनल भी है, बाहर में भी ओरिजिनल। ये जो है पुखराज, इसको पुखराज कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के हाथों में ऐसा रत्न देखा होगा, लगभग जिस किसी भी व्यक्ति की बुद्धि गड़बड़ हो जाती है अथवा किसी भी प्रकार की गुरु संबंधित समस्या होती है, तो ज़्यादातर लोग पुखराज धारण करते हैं। और पुखराज की ये क्वालिटी है कि उसको धारण करने से आपकी ज़्यादातर समस्या जो है दूर हो जाती है। ये आपको मैं बड़े ही नज़दीक से दिखा रहा हूँ, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ही फाइन क्वालिटी है, आप इसको देख सकते हो। आप
आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, अथवा गुरु संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है, विद्या संबंधित, बुद्धि संबंधित, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, बार बार फेल कर जा रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इत्यादि इसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपकी राशि धनु है, मीन है, तो आप इसको जो है आप धारण कर सकते हो। अगर आपके राजयोग में समस्या आ रही है, राजभंग कारक योग बन रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो भी आप इसको धारण कर सकते हो। तो ये हाई क्वालिटी का है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हाई क्वालिटी के लोग हैं, जो थोड़ा सा पैसे खर्च कर सकते हैं, वो लोग इसको धारण कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है ये। जो लोग इसको धारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इससे भी सस्ता में और बहुत ही कम कीमत में ये है टोपाज, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये टोपाज है, आप देख रहे हो, बहुत सारा रत्न है ये और बहुत ही फाइन क्वालिटी का, सस्ता है, इसका मतलब ये खराब नहीं है, ये भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन हर वर्ग के लोगों के लिए उपाय करना जरूरी है, क्योंकि हर कोई सक्षम नहीं होता है जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये खर्च कर सके। तो ये बहुत ही कम कीमत में आपके लिए ये अवेलेबल कराया जाएगा, आप सिर्फ फ़ोन पर में बात कर लोगे, कॉल कर लोगे और आप बताओगे कि आपको ये रत्न चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ये टोपाज है, गुरु के जगह पर में जो लोग पुखराज पहनने में सक्षम नहीं है, उनको बहुत ही कम कीमत में जो है ये प्राप्त हो जाएगा, तो ये आप गुरु के जगह पर में धारण कर सकते हो। एक और क्वालिटी है इसमें टोपाज में, अगर जो लोग उससे भी कम कीमत में चाहते हैं कि उनको प्राप्त हो, पैसे की कमी है, दिक्कत है, लेकिन परेशानी है, तो परेशानी का, समस्या का समाधान करना आवश्यक है, तो उसके लिए आप ये धारण कर सकते हो। ये भी टोपाज ही है, टोपाज का दूसरा भाई है, इसको आप धारण कर सकते हो, ये भी आपके लिए जो है उतना ही काम करेगा। अंतर सिर्फ इसमें इतना ही होता है, पैसों का अंतर है, तो अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि टाइम पीरियड का अंतर, कोई अगर 5 साल पहनना है तो कोई 1.5 साल पहनोगे, कोई 2 साल पहनोगे, कोई 3 साल पहनोगे, कोई साल भर पहनोगे, अंतर बस इतना ही है। तो गुरु के जगह पर मैं आप इसको भी धारण कर सकते हो, यानी कि तीन क्वालिटी का रत्न आपने हमने आपको गुरु के लिए दिखाया। ये जो आप देख रहे हो ये भी गुरु के लिए ही है, यानी कि टोपाज पुखराज का ही सबसे छोटा भाई है ये, इसको भी आप धारण कर सकते हो। अगर आपके पास और भी ज्यादा पैसे की कमी है, तो मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपसे, मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, आप बहुत ही कम कीमत में इन रत्न को प्राप्त करके, हाँ अगर आप चाहोगे कि अंगूठी में बना करके रेडी करके दिया जाए, तो फिर आपको रेडी करके दिया जाएगा, तो अंगूठी का आपको पैसा जो है 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आप केवल रत्न चाहोगे, अंगूठी आप खुद बनवा लोगे, तो आप केवल आपको रत्न का पैसा लगेगा, जितना रत्ती लोगे उस हिसाब से आपको पैसा लग जाएगा। हाँ, लेकिन बिना कुंडली दिखाए हुए, बिना हस्तरेखा दिखाए हुए बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, इस बात को हमेशा 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 ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी अच्छा फल देने के बदले रत्न अगर आप बिना जाने हुए, बिना किसी कारण के धारण कर लेते हो, तो उसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव भी, आपको रिएक्शन भी भोगना पड़ता है। तो ये रत्न भी आप धारण कर सकते हो गुरु के जगह पर, पुखराज धारण करने में सक्षम नहीं हो, टोपाज धारण करने में सक्षम नहीं हो, तो उसके बदले में गुरु का हो गया, शुक्र का हो गया, अब कौन सा बच गया, शनि का बता दिया ना, ये तो राहु जो है सो पाप ग्रह है, आप सब जानते हो राहु की दशा जब आती है, अंतर दशा जब आती है, तो आप देखते होगे कि आपको हेल्थ संबंधी इशू आने लगती है, आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपका बिजनेस चौपट होने लगता है, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होने लगता है, इत्यादि बहुत प्रकार की समस्या अगर आपके साथ हो रही है, खून से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो रही है, भूत प्रेत जैसा बाधा, सपने में सांप देखना, इस प्रकार की चीज़ें अगर हो रही है, आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप समझ जाओ कि राहु का समय चल रहा है। और अगर कुंडली है, आपके कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा चल रही है, राहु संबंधी कोई भी खराब योग चल रहा है, तो उसके लिए ये रत्न है, इसका नाम है गोमेद, ये आप देख रहे होंगे, इसका नाम है गोमेद। आपको शायद उतना ज़्यादा खूब अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, ये गोमेद है, ये मधु कलर है, गोमेद इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये गो के मूत्र के जैसा दिखाई देने में ये लगता है, मधु कलर का है ये,
और ये धारण करने से मैंने जितनी भी समस्या बताई वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है आपकी ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत ही कम और किफ़ायती दाम में कीमत में आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। नंबर आपके स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में से भी देख करके आप इसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये गोमेद है, राहु के जगह पर मैं आप इसको धारण कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप ये भी राहु का ही है, केतु के लिए, एक केतु के लिए चलना, सुनिए तो राहु केतु दोनों में अगर आपके कुंडली में केतु संबंधी कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि केतु की जब महादशा अथवा अंतर दशा चलती है तो लोगों को मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। केतु की अगर महादशा अथवा अंतर दशा चल रही है, केतु संबंधी किसी प्रकार की कुंडली में कोई दोष है, तो ये लहसुनिया नाम का रत्न है। ये आप देखोगे थोड़ा थोड़ा आपको लहसुन टाइप का आपको दिखाई देगा, लहसुनिया रत्न इसका नाम रखा गया है और मानसिक अशांति को शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन रत्न है। वैसे राहु और केतु दोनों का भी अगर समय चल रहा है, राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा, केतु के महादशा में राहु की अंतरदशा, अथवा राहु केतु किसी का महादशा अंतरदशा चल रहा है, तो भी आप लहसुनिया को धारण कर सकते हो, ये भी आपके लिए कमाल का है और बहुत बार बार मैं बोल रहा हूँ बहुत कम और किफ़ायती रेट में आपको प्राप्त होगा। जितना आप कहीं भी कहीं चले जाओ, कहीं से आपको इस रेट में किसी भी दुकान में, किसी भी ऑनलाइन साइट पर आप चेक कर लो, नहीं मिलेगा उस कीमत में, उस रेट में, और ओरिजिनल मैं आपको दूंगा, ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे केतु का जो है रत्न वो लाजवर्त है, तो लाजवर्त भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो हमारे सामने है ये लाजवर्त है, ये लाजवर्त भी है और लाजवाब भी है, आपको ये काम आएगा केतु के महादशा अंतर दशा में और कमाल का काम करेगा ये। आप देख करके आप समझ सकते हो ये लाजवर्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मुझे लग रहा है और आपको भी देख करके पता चल रहा होगा, तो आप इसको लाजवर्त को धारण कर सकते हो केतु के महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा अथवा केतु संबंधी कोई भी परेशानी है आपकी कुंडली में तो उसके लिए, तो ये लाजवर्त है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में कहा जाता है कि मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, पैसा बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है, तो ये जो है सो पैसा दिलाने वाला रत्न है। आपका कोई ग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसको धारण करो। हर एक व्यक्ति आप जितने भी बड़े लोगों से मिलोगे, आप अपने आसपास में देखोगे कि सबके हाथ में एक हरा कलर का रत्न जो है हमेशा रहता है। यानी कि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए इस रत्न को धारण किया जाता है। ये पन्ना का उपरत्न है, ओनेक्स, ओनेक्स का भाई है ये, बुद्ध के पन्ना ही है ये, जो है पन्ना ही है ये, पन्ना ही है ये, अच्छा क्वालिटी का पन्ना है, मध्यम वर्गीय पन्ना है ये, इसको आप धारण कर सकते हो किसके जगह पर में, अगर बुध की महादशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, बार बार कोई बीमारी है, परेशान कर रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, बुद्धि कमजोर हो गई है और पैसों का मेनली समस्या हो रहा है, रोजी रोटी व्यवसाय में परेशानी आ रही है, तो इसको आप एक बार धारण करके देखो। कुछ नहीं है आपके पास, कुंडली भी नहीं है, आप हस्तरेखा दिखाना भी नहीं जानते हो, आपको पैसा नहीं खर्च करना है, पंडित को नहीं देना है, तो आप इसको जरूर धारण करो और महीने दो महीने तीन महीने के अंदर में आपको इसका बेनिफिट जो है दिखने लगेगा। ये पन्ना है, ये पन्ना का दूसरा क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पन्ना का उपरत्न है पेरीडॉट, पेरीडॉट को आप धारण कर सकते हो। वैसे मैंने इसे यूज नहीं किया है, लेकिन आप इसको धारण करके एक बार देखो, आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जैसा इन्होंने बताया है, और ये भी आपको बुध के जगह पर में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि सस्ता है, बहुत कम कीमत में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो एक बार धारण करके पहन करके देखने में कुछ नहीं जाता है, आप करके देखो। वैसे मैं प्रेफर करूँगा अब बुध के जगह पर मैं इसको धारण करने का, और चेक करता हूँ कि आपको कितना सूट करता है, आप कॉल करके फिर मुझे बताना। ये जो है सो इसका उपरत्न है पन्ना का, ओनेक्स है ये, ओनेक्स बहुत ही कम कीमत में, किफायती दाम में, जितना आपका पॉकेट खर्चा होगा आप इधर उधर में खर्च कर देते होगे उतना में, मैं बता नहीं रहा हूँ रेट, क्योंकि
हर का अलग अलग कीमत है, अलग अलग रेट है, सबका रेट बताना अलग अलग संभव नहीं है, इसलिए वक्त को अंदाज ध्यान में रखते हुए और आपको फटाक फटाक बता रहा हूँ। ये पन्ना है, पन्ना का उपरत्न है, छोटा भाई है बुद्ध के जगह पर में, धारण कर सकते हो आप बहुत ही कम कीमत में इसको। अगर 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 आपके पास पैसे की कमी है और पन्ना धारण करने में सक्षम नहीं हो तो बुद्ध के जगह पर में आप इसको धारण कर सकते हो। उपरत्न है उसका, इसका नाम है ओनिक्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में। मोती मन की शांति के लिए, मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है, मन में शीतलता नहीं रहती है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, तो इसके लिए भी आप मोती धारण कर सकते हो। ये है मोती, चंद्रमा का रत्न है। हमेशा टेंशन, गुस्सा, आवेश, इस प्रकार की चीजें अगर होती रहती हैं तो आप इसको धारण कर सकते हो। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, गुस्सा बहुत कम आएगा, आपके मन में चंद्रमा की तरह शीतलता को ये प्रदान करेगा। तो ये मोती है, चंद्रमा की महादशा है, अंतरदशा है, अथवा हमने जो परेशानी आपको बताई है वो है, तो आप इसमें इस मोती को धारण कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम कीमत में, किफ़ायती दाम में आपको प्राप्त हो जाएगा, जितना आप सोच नहीं सकते हो उस रेट में आपके घर पे पहुंच जाएगा। और ओरिजिनल चीज़ें जो मेरे सामने हैं, मैं जिसको देख रहा हूँ, इसका भी उपरत्न, अगर आप मोती धारण करने में भी सक्षम नहीं हो तो इसका भी उपरत्न है मून स्टोन, जो कि बच्चों का खिलौना जितना मिल लेते होगे उससे भी कम रेट में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको मून स्टोन दिखाता हूँ। ये है मून स्टोन, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मून स्टोन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, फाइन क्वालिटी दिखाई दे रही है। अगर आप मोती धारण करने में सक्षम नहीं हो, बहुत गरीब हो, पैसे की बहुत कमी है और चंद्रमा संबंधित परेशानी है, टेंशन गुस्सा हमेशा रहता है, तो आप मून स्टोन को भी धारण कर सकते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। टाइगर ये टाइगर है, इसका नाम आप जानते ही हो, टाइगर 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 आपने सुना होगा, देखा होगा, टाइगर मतलब होता है बाघ सिंह, यानी कि आप में अगर आत्मविश्वास की कमी हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है, अथवा दुश्मन का बार बार आक्रमण हो रहा है, तो आप इस स्टोन को बहुत ही कम कीमत में धारण कर सकते हो। टाइगर स्टोन है ये, अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही कम कीमत में, बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही कम कीमत, यानी कि आपके सोच से कम कीमत में आप इसको धारण कर सकते हो। जिस प्रकार से टाइगर को, बाघ को देख करके लोग भागते हैं, जानवर भी भागता है, उस प्रकार से इसको धारण करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि लोग आपको देख करके थर्राएंगे और आपके दुश्मन आपके सामने से भाग जाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और है बाबा सिरकली महामरियम मीडियम, अगर आपको अथवा आपके रिलेशन में, भगवान ना करे किसी को, लेकिन अगर किसी को है, आप जानते हो और आप चाहते हो कि उसको एक बीमारी है जिसका नाम है बवासीर, वो बीमारी ठीक हो जाए, खूनी और बाती दोनों, डॉक्टर के यहाँ से दिखा दिखा करके परेशान हो चुका है, गरीब व्यक्ति है, पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो ये मरियम नाम का रत्न है, मरियम रत्न आप उसको धारण करवा सकते हो। आपके सामने है, मैं आपको पीछे से कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। ये मरियम नाम का रत्न उस व्यक्ति को धारण करवा सकते हो। उसको धारण करवाने मात्र से बवासीर नाम का बीमारी जो है कुछ ही समय में दूर हो जाएगा, उसका असर कम होने लगेगा, रत्न का असर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी बीमारी वैसे वैसे लो होती चली जाएगी और धीरे 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 वक्त बीतता जाएगा और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये मरियम नाम का रत्न बवासीर के लिए आप उनको धारण करवा सकते हो। शुगर के लिए, शुगर के लिए कौन सा रत्न? वाइट मूंगा। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है, चीनी है, बीमारी है, मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, रोज़ आप टेबलेट ले रहे हो, मैंने तो देखा है इस बार कुछ ही दिन पहले मैंने अपने मामा को देखा कि खाना खाने से पहले भी दवा लेना आवश्यक है, खाना खाने के बाद भी दवा लेना आवश्यक है, उनको शुगर की बीमारी हो गई है, चीनी हो गई है। तो अगर अभी मैं एक रत्न इसमें से उनको भी दूंगा, अगर आपको चीनी की बीमारी है अथवा आपके फैमिली में, परिवार में, रिलेशन में किसी को भी है, और महीने में कितने का दवा लेते होगे वो मैं समझ सकता हूँ,
महीने भर का दवा जितना में लेते हो उतना नहीं, 15 दिन का दवा जितने में लेते हो उतने में आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। ये चीनी की बीमारी के लिए रामबाण है, ये व्हाइट मूंगा, इसका नाम है व्हाइट मूंगा, यानी कि उजला मूंगा है ये। ये चीनी की बीमारी में आपको बहुत काम आएगा, इसको जरूर धारण करो और इससे चीनी आपके कंट्रोल में रहेगा, ये अनुभव किया हुआ है, ये गारंटेड है। आँख में जो मोतियाबिंद हो जाता है, ये कौन सा पत्थर है? आँख में मोतियाबिंद काला काला सितारा। ये जो रत्न अभी हमारे हाथ में है सितारा काला, इसका नाम है सन सितारा काला काला। अगर आपके घर में अथवा किसी के भी घर में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अथवा किसी को भी मोतियाबिंद नाम की बीमारी हो गई है, आँख में आँख संबंधित कोई भी परेशानी है, मोतियाबिंद ज़्यादातर, तो इसमें आप इस रत्न को उनको धारण करवा सकते हो। इस रत्न को धारण करवाने के बाद वो जितना पर में है उतना पर में तो रुक ही जाएगा, और जैसे जैसे रत्न का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा उनके आँखों से मोतियाबिंब नाम की बीमारी जो है धीरे 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 करके दूर हो जाएगी। 25-50 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस रत्न को इस पत्थर को धारण करने से ही उनकी बीमारी लगभग 60-70% दूर हो जाएगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं है कि वो मोतियाबिंब का ऑपरेशन करवा सके। तो उसके लिए ये रत्न है, उसको आप धारण करवाओ और चेक करो, एक बार चेक करो, प्रैक्टिकली करो, देख करके इसको प्रैक्टिकली करके देखो और फिर बाकी लोगों को आप सजेशन दो, सलाह दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इतने सारे रत्न हमने आपको दिखाए, इन सभी को दिखाने का, आपके सामने आने का और लाने का मतलब यही था, उद्देश्य यही था कि आप अपनी आंखों से देख सको, पहचान सको। अगर कल होकर के कोई बताता है कि ये रत्न धारण करो तो आप समझ सको कि किस कारण से, उनसे आप पूछो कि किस कारण से मैं इस रत्न को धारण करूं, इसको धारण करने का आपके पीछे का क्या मकसद है, आपने क्यों कहा इसे धारण करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको हर एक रत्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन लगभग बातें हमने आपको बता दी, क्योंकि डिटेल में अगर बताऊँगा तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो शायद देखना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा और हमारे लिए अपलोड करना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, और अगर आपको इसमें से कोई भी रत्न चाहिए विथ रिंग अथवा विदाउट रिंग, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8949868434 पर संपर्क कर सकते हो अथवा कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल उसी सूरत में करना है अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो ऐसे नहीं। मैं फिर एक बार अपना नंबर बोल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको मेरा नंबर शो हो ही रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और डिस्प्ले पर आपको देख ही रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे, आपने देख लिया, समझ लिया और ये सारा का सारा रत्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लिख करके हमें बताएं कि आपको कौन सा रत्न चाहिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।